प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक ही लद्दाख में पहुंचकर जवानों के हौसला अफजाई किए जाने पर हमीरपुर में शहीद अंकुश ठाकुर के परिजनों ने भी खुशी जाहिर की है। अंकुश ठाकुर के पिता अनिल कुमार ने पीएम मोदी के लद्दाख में जाकर जवानों की हौसला अफजाई करने के साथ शहीद परिवारों के बारे में सोचा है, जो कि ठीक बात है। वहीं शहीद अंकुश के छोटे भाई आदित्य ने पीएम मोदी के सैनिकों और शहीद सैनिकों का सम्मान बढ़ाया है और पीएम मोदी से शहीद सैनिकों के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की है। शहीद के पिता अनिल कुमार ने कहा कि पीएम मोदी के लद्दाख में जाकर शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी है, बल्कि सैनिकों का हौसला भी बढ़ाया है। उन्होंने पीएम मोदी के दौरे का स्वागत किया है। सर, मैं आपका डैडी बोल रहा हूँ हिमाचल से, और मुझे पता लगा कि हमारे मोदी जी एक बार लद्दाख में गए हैं सैनिकों का हौसला बढ़ाई के लिए, उनके लिए हमने बचाव कर रहे हैं, और जो इसमें हमारे जो शहीद हुए हैं उनके या परिवार के बारे में भी अपने जो शुभ विचार से बताएँ। शहीद के भाई आदित्य ने कहा कि पीएम मोदी को शहीद सैनिकों के लिए ठोस नीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लद्दाख में पीएम मोदी के जाने से सैनिकों को हौसला बढ़ा है और मैदान में डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार रहेंगे। शहीद अंकुश का छोटा भाई आदित्य हूँ। आज मेरे भाई ने जो शहादत दी है मुझे उस पर प्राउड है। आज प्रधानमंत्री लद्दाख में सैनिकों का सम्मान बढ़ाने के लिए गए हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके बारे में ठोस नीति बनाए। धन्यवाद। चाचा अजय शर्मा ने कहा कि जब कारगिल युद्ध हुआ था तब भी मोदी के द्वारा कारगिल सेक्टर में जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाया गया था, और लद्दाख में जाकर भी पीएम मोदी ने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है, जिससे शहीद परिवार भी खुश है। आज मीडिया के माध्यम से हमें ये पता चला कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए लद्दाख पहुँचे हैं। और मैं भी जब कारगिल का युद्ध हुआ था तब ही हमारे प्रधानमंत्री उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब भी वो बिना किसी चीज़ की परवाह किए हुए कारगिल में पहुँचे थे, तब भी उन्होंने सेना का मनोबल बढ़ाया था, और हमने जो था कारगिल में भी विजय प्राप्त की। आज भी उसी कड़ी में वो लद्दाख पहुँचे हैं, वो सैनिकों के बीच में हैं, उन्होंने घायलों का भी हालचाल पूछा है, और सेना की बॉर्डर पे जो काम कर रही है उसकी उन्होंने हर जानकारी वहाँ सेना के माध्यम से प्राप्त की। इससे निश्चित तौर पर सैनिकों का जो मनोबल जो है वो बढ़ेगा, और सेना जो है पूरी मुस्तैदी से और मनोबल के साथ हमारी सीमाओं की वहाँ रक्षा करेगी।